एक तरह से मुशक्कत में डालना होता है। प्यास बर्दाश्त करना, भूख बर्दाश्त करना और अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये रोज़ा है। और इंसान इसकी वजह से और खाने पीने तर्क करने की वजह से जिस्म में नकाहत कमज़ोरी तक भी जाती है। कई मरीज़ होते हैं उनकी मर्ज़ तक बढ़ने का भी खच्चा ख़तरा होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह की इबादत हम रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अशरफुल मखलूक़ात, इंसान जो सबसे उसके मखलूक प्यारी है, अल्लाह अपनी प्यारी मखलूक को मुशक्क़त में डालना चाहते हैं, तकलीफ़ में डालना चाहते हैं कि खाने पीने हर किस्म के मामलात से तर्क कर दे। और ये इबादत, इसका जो मकसद है ना लोगों, वो मकसद इतना कमाल दर्जे का मकसद है, अगर उस मकसद तक्वा तक हमारी रसाई हासिल हो जाए, समझ लीजिए कि फिर उस बंदाए मोमिन की जन्नत तक रसाई हो जाती है, अल्लाह के कुर्ब पाने तक रसाई हो जाती है, वे रब का महबूब होने तक उसकी रसाई हो जाती है। रब्बुल आलमीन के हर वक्त साए में, नुसरत में, ताईद इज्दी में रहने की उस बंदे के लिए एक ताईद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हासिल हो जाती है। और ये अमल कहाँ से हासिल होता है? ये रोज़े से हासिल होता है। अब तकवा की बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं। तकवा के जो सबसे आसान, जो मारूफ तारीफ ये है कि अपने नफ्स को किसी डराने वाली चीज से बचाना और उसकी हिफाजत करना। और तकवा के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इसका मतलब हम सादा माना डरना और बचना, खौफ करना, खौफ खाना और बचना। खौफ पैदा होगा दिल में, बंदा बचेगा। किससे बचेगा? गुनाहों से बचेगा, हराम से बचेगा, नफ्स की ख्वाहिशात, जो नफ्स से हमारा इंसान को गुनाहों की तरफ लेकर, उन चीज़ों की तरफ लेकर जाता है जिनसे कायनात के रब ने मना किया होता है, ये उससे बचाता है। तो जब बंदा अपने रब के डर से, अपने मालिक के खौफ से, अपने मालिक के उस मलकियत होने और उसका बंदा होने के नाते से, जब उसे हर वक्त उसे अपने मालिक की फिक्र लगी रहेगी कि ये काम कर गया मालिक मुझे देखेगा, ये काम कर गया वो मुझसे नाराज हो जाएगा, ये काम अगर मुझसे हो गया मालिक मुझे अपनी रहमत से दूर कर देगा। जब बंदे को हर वक्त अपने मालिक की याद और खौफ रहता है, उस वक्त जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए जन्नत में मुकाम भी देता है। और जब तक वो बंदा दुनिया में रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत फरमाता रहता है। अब इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीफ, सादा मफहूम हुआ जो मैंने आप अहबाब को समझाया है, लेकिन उलमा ने ये जो इल्म के नुक्ते और ये इल्म के वो हसीन मोती चुन के हमारे लिए रखे होते हैं, एक एक चीज़ का निचोड़ निकाला होता है, उसमें से चंद एक बातें मैं आप अहबाब को, इस वजह से कि यार तकवा का मेयार क्या है और फिर हमने अपने नफ्स में भी गौर करना है और हमारे अंदर कितना तकवा है, ये है असल इस आज के टॉपिक कि हमने अपने अंदर गौर करना है, मुहासबा करना है इस मौजू से लेकर मैं और आप कितने मुत्तकी हैं। इमाम राजी फरमाते हैं अन्न तक्वा तर्कुल इसरारी अलल मासियत, गुनाह को छोड़ देना ये तक्वा है। वह तर्कुल इख्तिरारी बित्ता, आप फरमाते हैं कि फिर इबादात रियाजात पर तकब्बुर गुरूर ना करना यह भी तकवा है। फिर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इब्राहिम बिन अदम के हवाले से नकल फरमाया कि उनके नजदीक तकवा क्या है कि अल्लाह यजिद अल खल्क फी लिसानी का अयबन व
वला मलाइकत फी अफआलिक ऐबन वला मलकल अर्श फी सिरिक ऐबन। फरमाया कि हज़रत इब्राहिम बिन आदम ने तीन बातों में तकवा की तारीफ की कि तेरी जबान पर अल्लाह की मखलूक के ऐब ना जारी है। दूसरी आपने फरमाया अन्नल मलाइकत फी अफआलिक ऐबन के फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे पर मामूर फरमाए हुए हैं। हजरत इब्राहिम बिन आदम फरमाते हैं कि तू इतना पाकीजा हो जा, इतनी नेकियां कर, इतना मुताहर मुकर्रम हो जा, इबादत गुजार हो जा कि तेरे गुनाह पर तेरे फरिश्ते भी मुतले ना हो सकें, उन्हें भी खबर ना हो कि अल्लाह के बंदे ने यह गुनाह किया है। तीसरी बात कि वला मालकल अर्श फी सिर्री के ऐबन, तू इतना जाहिर और बातिन को अपने को संवार दे, सुथरा कर दे कि जिस मालिक ने तुझे पैदा फरमाया है ना, वो मालिक भी तेरे अंदर कोई ऐब ना देखे। ये तीन बातें जो आपने फरमाई हैं तकवे की, एक अपनी जबान पर किसी के ऐब ना लाओ, यानी जबान को कंट्रोल करो, जबान से किसी मखलूक के अल्लाह के बंदों को तकलीफ ना दो। दूसरी, वो बंदे तो दूर तेरी ऐब पर मुतले हूं, बंदे तो बहुत दूर की बात है तेरे गुनाहों से बखबर हूं, फरिश्तों को भी खबर न हो कि इस बंदे ने कोई गुनाह किया है, गुनाह करो ही ना। अगर कर भी जाओ तो यानी एक तरह से भी हो सकता है कि तुम अपने गुनाहों को खुद चर्चे ना करो, खुद ऐब ना किसी का अपने किसी के सामने बयान करो। तीसरी, वला माजा कलर चिफी सिर्री का ही बन, इस तरह तुम नेक हो जा, गुनाहों से अपने आप को बचा ले कि कायनात का रब भी ना तुझ में ऐब ना देखे। और इमाम राजी नहीं वाकदी के हवाले से नकल फरमाया कि उनके नज़दीक तकवा ने तारीफ किया, फरमाया अंत ज़य्यना सिर्रे कलील हक कमा ज़य्यन्त ज़ाहिर कलील को, अल्लाह के इस तरीके से मुज़य्यन कर और जैसे तू अपने जाहिर को ही खल्क मखलूक के लिए तू क्या करता है, संवारता है कि जैसे बंदा अपने आप को जाहिर को संवारता है ना, अच्छे कपड़े पहनता है, तेल लगाता है, खुशबू लगाता है, अपने आप को सुथरा रखता है, क्यों, देखने में मैं अच्छा लगूं। आपने फरमाया जैसे तू अपने आप को मखलूक के लिए संवारता है, ऐसे अपने बातिन को जब अपने कायनात के रब के लिए संवारेगा तो तकवा के मंजिल पर, तकवा के फायज पर, दर्जे पर तो फायज हो जाएगा। और एक और कौन नकल फरमाया है, इमाम राजी ने नकल फरमाया, वो फरमाते हैं तकवा अल्लाह यारा का मौला का है सुनहा का, कि तकवा क्या है कि जहां से तुम्हें तुम्हारे मालिक ने मना फरमाया है उस बात की तरफ, उस काम पर, उस जगह पर तुझे तेरा रब ना देखे, ये तकवा है। अल्लाह ने हमें गुनाह से मना फरमाया है, अल्लाह रब इज्जत अपने बंदे को गुनाह करते हुए ना देखे, अल्लाह रब इज्जत ने हमें हराम चीजों से मना फरमाया है, अल्लाह रब इज्जत उस बंदे को हराम काम करते हुए ना देखे, जिस मालिक ने हमने शरीयत पर हमें पाबंदी शराब से मना फरमाया है, हराम माल खाने से मना फरमाया, किसी को नाहक कत्ल करने से मना फरमाया है, किसी का माल गसब करने से मना फरमाया, गीबत से, झूठ से, ये तमाम गुनाहों से जिस रब ने मना फरमाया, वो कहते हैं कि वहां पर तुझे तेरा रब ये काम करते हुए ना देखे, ये तकवा है।